तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? लॉकडाउन का समय चल रहा है और वक्त भी काफ़ी बच रहा होगा आप लोग के पास। मुझे उम्मीद है कि आप पढ़ाई कर रहे होंगे और ये भी उम्मीद है कि मेरे लेक्चर्स को फॉलो कर रहे होंगे। तो लॉकडाउन के समय में आपकी हेल्प के लिए, एग्जामिनेशंस की तैयारी के लिए आपके सामने मैं एक वीडियो लेकर हाजिर हूँ। चूँकि आजकल एक इशू है जो कि बहुत बर्निंग है, बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है, वो है एक नया वायरस या फिर से कोविड 26 एंड कोविड 32। तो ये करंट अफेयर्स का एक इशू है जिसको कि मैं आज डील करने वाला हूँ। देखिए, कोविड 19 का असर अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। कोविड 19 के सेकेंड वेव की वजह से हम लोग अगेन लॉकडाउन में फंसे हैं। फिर से लॉकडाउन किया गया है बहुत सारे स्टेट्स में और लॉकडाउन की वजह से फिर से इकोनॉमी पे बहुत बड़ा असर पड़ा है। इकोनॉमी अभी के डेट में 2021 का जो इकोनॉमी है, 2020 से 2021 का जो इकोनॉमी है वो -7.3% पे गया है। सो यू कैन थिंक, आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी नुकसान हुई है हमारी इकोनॉमी को कोविड 19 की वजह से। और अब एक यूएस की रिपोर्ट आई है, यूएस के दो बहुत बड़े डिजीज एक्सपर्ट हैं, उन्होंने ये दावा किया है कि अगर कोविड 19 का, देखिए कोविड 19 जो अभी अब चल रहा है, कोविड 19 का अगर ओरिजिन फाइंड नहीं किया जाता है, ओरिजिन मतलब कि ये जो बीमारी है कहाँ से निकली है, अगर ये नहीं मालूम किया जाता है तो कोविड 26 एंड कोविड 32 आ सकता है। कोविड 26 एंड कोविड 32, द 32 एंड 26 रेफर्स टू द ईयर। तो 2026 में और 2032 में इससे भी बड़ा पेंडेमिक आ सकता है अगर कोविड 19 के ओरिजिन के बारे में पता नहीं किया गया। तो जो बहुत बड़ी कंपनी है फाइज़र, फाइज़र के जो वैक्सीन है जो कि बहुत फेमस है, बहुत ज़्यादा फाइज़र की वैक्सीन चल रही है वेस्टर्न कंट्रीज़ में, यूरोपियन कंट्रीज़ में। तो उसकी जो फॉर्मर सीईओ है, उन्होंने दावा किया है कि अगर चाइना जो ये वायरस है कोविड 19, उसके ओरिजिन को अगर वो डिस्क्लोज नहीं करता है, वो नहीं बताता है कि कोविड 19 कहाँ पैदा हुआ था, तो कोविड 26 और कोविड 32 बहुत ही भयंकर रूप में पूरे विश्व को प्रभावित कर सकता है। अगेन, चाइना ने इसे सिरे से नकार दिया है, चाइना का बार बार दावा है, और चाइना ने ऐसा कोई रिपोर्ट भी नहीं दिया है, ऐसा कोई सबूत नहीं दिया है जिससे ये कहा जाए कि ये वायरस कोविड 19 वायरस चाइना से नहीं आया है। अगर चाइना ऐसी कोई सबूत दे देता कि कोविड 19 वायरस चाइना से ओरिजिन नहीं हुआ है, तो फिर इसके चांसेस कम है या फिर कोई और रिसर्च होता। फर्दर एक चीज़ और आपको समझना होगा कि जो कोविड 19 का जो अभी तक ओरिजिन का जो पॉसिबिलिटीज़ है, ये बताया जाता है कि कोविड 19 हो सकता है कि या तो जानवरों से आया है, जूनोटिक डिजीज़ है, या फिर किसी इंस्टीट्यूट में, जैसे कि जैसे एक इंस्टीट्यूट का नाम आता है, एक वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट का नाम आता है, दैट इज़ वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, मतलब वायरस का ये इंस्टीट्यूट है जहाँ पे वायरस पर रिसर्च होता है। तो वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में इसे बनाया गया है खासकर एज अ बायोलॉजिकल वेपन। तो बहुत सारे पोस्टुलोसिस हैं, बहुत सारे हाइपोथेसिस हैं कि या तो इसे जानबूझकर चाइना के द्वारा बनाया गया है दूसरे देशों पे हमला करने के लिए, और स्पेशली चाइना से अफेक्टेड भी नहीं है। आज अफेक्टेड इससे कौन है? इंडिया है, यूरोप है, वेस्टर्न कंट्रीज हैं। और अगर इसे किसी वेट एनिमल से, वेट मार्केट जो होता है चाइना में, वेट मार्केट का मतलब क्या कि वहाँ पे बहुत सारे एग्जॉटिक एनिमल्स जैसे कि बैट, चमगादड़ यानी कि पेंगोलिन, या फिर दूसरे मगरमच्छ, ऑक्टोपस, इन सबको वहाँ पर बेचा जाता है, सेल किया जाता है और लोग उसे खरीद कर खाते हैं। तो या तो वेट मार्केट से ये किसी इंसान में आया और वहाँ से ये इन्फेक्शस होना हो गया, इन्फेक्शस होना शुरू हो गया, लोगों में फैलना शुरू हो गया, कॉन्टेजियस हो गया, या तो फिर ये वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में इसे जानबूझकर बनाया गया है ताकि बायोलॉजिकल वारफेयर के रूप में इसका यूज़ किया जा सके। तो जब तक ये बातें कंफर्म नहीं हो जाती कि ये जो कोविड 19 है कहाँ से एग्जैक्टली ओरिजिन हुआ है, एग्जैक्टली कहाँ से निकला है, तब तक कोविड 26 और कोविड 32 के पॉसिबिलिटीज को नकारा नहीं जा सकता है। इसलिए ये ज़रूरी है कि हम लोग चाइना के बारे में चाइना से सवाल करें। WHO ने भी चाइना से बहुत बार सवाल किया है कि कोविड 19 के ओरिजिन के बारे में आप बताएं। हालांकि WHO थोड़ा बायस्ड है चाइना के तरफ, बट फिर भी ये एक क्वेश्चन है कि कोविड 19 का ओरिजिन कहाँ से हुआ है। तो इस वीडियो में इतना ही जानना था आपको कि कोविड 26 और कोविड 32 आ सकता है अगर कोविड 19 के ओरिजिन के बारे में मालूम नहीं चलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारे वीडियोज़।
टिल देन टेक केयर।